नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय स्थान मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्याचल मंदिर के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके, कहां घूमें, कैसे दर्शन करें और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी कम्प्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते विंध्याचल धाम की। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल माता माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती का रूप धारण करती हैं और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य पतित पावनी गंगा के तट पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जो देश के 51 शक्ति पीठों में से भी एक है। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियाँ विराजमान है, माँ विंध्यवासिनी, माँ काली और माँ अष्टभुजी, जिनके दर्शन करने से आपकी वृहद त्रिकोण यात्रा भी पूरी हो जाती है। दोस्तों अब बात करें कि आप विंध्याचल धाम कब जाएं। वैसे तो आप यहां पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन विंध्याचल जाने का सबसे उचित समय अक्टूबर से मार्च का महीना माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहां पे कई सारे त्योहार होते हैं, जिनमें खासकर नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहां का दृश्य देखते ही बनता है, जिससे यहां बहुत से श्रद्धालु दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माँ विंध्यवासिनी के दर्शन किस सीजन में करना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप विंध्याचल कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से विंध्याचल जाना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन खुद विंध्याचल है, लेकिन अगर आपको यहाँ के लिए ट्रेन ना मिले तो आप मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन अधिकतर शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है और इस रेलवे स्टेशन से मेन मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, जिससे आप ऑटो या टैक्सी के द्वारा लगभग 20 से 60 रुपए में कवर कर सकते हैं। और यदि आप प्लेन से जा रहे हैं तो विंध्याचल का नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से विंध्याचल की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है और इस एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस के जरिए विंध्याचल मंदिर तक पहुंच जाएंगे। और यदि आप टैक्सी लेते तो उसका चार्ज लगभग 1200 से 2000 रुपए तक होता है, और वहीं अगर आप बस से जाना चाहते तो उसका चार्ज लगभग 200 से 300 रुपए तक पर पर्सन लगता है। और दोस्तों यदि आप बस से विंध्याचल जाना चाहते तो आपको विंध्याचल जाने के लिए हर एक जगह से बस की सुविधा मिल जाएगी। वहीं अगर आप वाराणसी से बाय रूट यहां पर आना चाहते तो आपको बाय रूट यहां आने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वाराणसी में आपको उत्तर प्रदेश की ट्रांसपोर्ट बसें चलती हुई देखने को मिलेंगी, जिसके माध्यम से आप विंध्याचल पहुंच जाएंगे। और वाराणसी से विंध्याचल की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। और दोस्तों यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, ट्रेन, प्लेन, होटल और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप विंध्याचल में कहां पे स्टे करें। वैसे तो यहां पे मंदिर परिसर के आसपास ही आपको कई सारे अच्छे होटल बजट में मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 500 से 800 रुपए में 2 लोगों के लिए होटल ऑनलाइन और ऑफलाइन बुक करके स्टे कर सकते हैं। और इन होटल में आप सभी को खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। दोस्तों अब बात करें कि विंध्याचल में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो यहां आपको खाने पीने की हर एक सुविधा मिलेगी, क्योंकि विंध्याचल में कई सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड्स देखने को मिलेंगे, जहां आप जाकर के 80 से 150 रुपए में एक समय का भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहां दर्शन आप 2 जगह से कर सकते हैं, क्योंकि यहां आप झांकी से दर्शन कर सकते हैं और एक लाइन में लगकर। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माँ विंध्यवासिनी के दर्शन किस प्रकार करना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप यहाँ दर्शन करने के लिए नवरात्रि या सावन के महीने में जाते हैं तो यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, जिससे दर्शन करने में आपको 2 से 3 घंटे का समय भी लग सकता है। और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद आप सभी को लाल भैरव के दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनके दर्शन के बिना माँ विंध्यवासिनी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और एक और यहाँ अधिकतर पंडा दर्शन कराने के लिए टहलते रहते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ पंडा लेकर के भी दर्शन करिए या फिर स्वयं आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप विंध्याचल में कहाँ कहाँ घूमे। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले अष्टभुजा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। विंध्याचल पर्वत की चोटी पर स्थित यह मंदिर माँ यशोदा की बेटी अष्टभुजा देवी को समर्पित है, जिनके दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और यह मंदिर
सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। इसके साथ ही आप यहां संकट मोचन हनुमान मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। विंध्याचल के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक यह मंदिर बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इनके दर्शन करने से शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति भी सही हो जाता है और ऐसी स्थिति से बचने के लिए श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यह मंदिर सुबह 4 बजे से रात के 10:30 बजे तक खुला रहता है। और अब आगे चलते काली खोह मंदिर। माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर माँ काली को समर्पित है, जिसमें पीठासीन देवता को माँ काली का अवतार दे करके उनकी मूर्ति को पूजा जाता है। और इस मंदिर के अंदर आप कुछ तांत्रिकों के विभिन्न पूजा अनुष्ठान करते हुए भी देख सकते हैं। और यह मंदिर सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। और दोस्तों, अगर आप विंध्याचल धाम में घूमने के साथ साथ मिर्जापुर के पर्यटन स्थलों को भी कवर करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं विंडम फॉल। विंडम फॉल पर्यटकों के लिए बहुत ही खास जगह है, क्योंकि यह आराम करने और प्रकृति के साथ अनुभव करने वाले टूरिस्ट के लिए एक आदर्श स्थान है। दोस्तों, और भी ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे महादेव मंदिर, विजयगढ़ फोर्ट, पक्का घाट, चुनार फोर्ट, सीता कुंड, लाल भैरव टेम्पल, राम गया घाट, टांडा वाटरफॉल आदि जैसे विंध्याचल के पर्यटन स्थल है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुल खर्चों की। वैसे तो अगर आप यहाँ वन डे वन नाइट का ट्रिप बनाते तो उसका चार्ज लगभग 3,000 से 4,000 रुपए होता है। वहीं अगर आप वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करना चाहते तो उसके लिए आपको 2 दिन 1 नाइट का ट्रिप बनाना पड़ेगा, जिसमें आपका कुल खर्चा लगभग 5,000 रुपए तक लग सकता है। लेकिन ये सभी खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।